दोस्तों 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे पर इसराइल में पिछले 8-9 साल का सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें शाम के 8:15 बजे जेरूसलम के ईस्टर्न साइड से एक गनमैन आता है और लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देता है, जिसमें लगभग 7 लोगों की मौत हो जाती है और मौके पर मौजूद इजरायली पुलिस फोर्सेस भी उस पर अटैक करती हैं, जिसमें वो टेररिस्ट मारा जाता है। लेकिन उसके अगले ही दिन एक और अटैक होता है जेरूसलम की ओल्ड सिटी में, जहां पर 2 लोग घायल हो जाते हैं। और इस बार ये अटैक करने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि एक 13 साल का छोटा बच्चा था। जो टेररिस्ट पहले मारा गया था उसको वहां की लोकल मीडिया कंफर्म करती है कि वो एक पैलेस्टीनियन था, और इसराइल भी मानता है कि वो एक पैलेस्टीनियन ही था। लेकिन जो पैलेस्टीन के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इस अटैक की बहुत तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कहते हैं कि अटैक हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये हमने नहीं करवाया। लेकिन वहां की लोकल मीडिया बोलती है कि वो पैलेस्टीनियन था, और इसराइल की गवर्नमेंट भी बोलती है कि वो एक पैलेस्टीनियन था। तो इसराइल की फोर्सेस अब वेस्ट बैंक के नबलस शहर में घुस जाती हैं बदला लेने के लिए, और नबलस शहर में लगभग वो 11 लोगों को मारती हैं, 11 लोगों को मारती हैं, और इसमें 104 लोग घायल हो जाते हैं। अब क्योंकि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप कह रहे थे कि हमने नहीं करवाया, तो अब पैलेस्टीन को भी इसराइल से बदला लेना है। तो गाजा स्ट्रिप में से जो हमास मिलिटेंट ग्रुप का वहां कब्जा है उनकी तरफ से रॉकेट्स फायर किए जाते हैं इसराइल के ऊपर इस अटैक का बदला लेने के लिए। अभी हमास ग्रुप के द्वारा कुल 6 रॉकेट फायर किए गए थे, जिसमें से 5 रॉकेट्स हवा में नष्ट कर दिए गए इसराइल के एयर डिफेंस के द्वारा। लेकिन अब इसराइल को इसका भी बदला लेना है हमास से, तो वो गाजा स्ट्रिप के ऊपर एयर रेड्स करते हैं और हमास मिलिटेंट ग्रुप्स की मेनली साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग करते हैं। लेकिन ये सब चल क्यों रहा है? हमास इसराइल पर अटैक करता है, इसराइल वेस्ट बैंक में अटैक करता है, एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जैसा कि इसराइल कहता है वहां पर आके लोगों को मारता है। ये कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में? दोस्तों पूरा सिनेरियो जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों 12वीं सदी की बात है कि पूरे मिडल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, बुल्गेरिया, हंगरी जैसे देश इस ऑटोमन एम्पायर के अंदर ही आते थे। ये 12वीं सदी से शुरू हुआ था और 19वीं सदी तक चला था, लेकिन 19वीं सदी आते आते इसकी पकड़ कमजोर होनी शुरू हो गई थी, और इस ऑटोमन एम्पायर के अंदर लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर ही रहते थे। क्रिश्चियंस, जूस और मुस्लिम्स की यहाँ मेजोरिटी थी। लेकिन दोस्तों ज्यूज का जो धर्म है जुआइडिज्म, वो एक ऐसा धर्म है जिसको हिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेटरेट झेलनी पड़ी है, बहुत ज्यादा नफरत झेलनी पड़ी है और धर्मों से। काफी सारे अलग अलग धर्म हैं जिनके अंदर अलग अलग थ्योरीज हैं इनके खिलाफ, पर फिलहाल उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों 18 सेंचुरी आते आते थियोडोर हेर्ज़ल ने एक ज़ायनिज्म मूवमेंट की शुरुआत करी, और इसकी आइडियोलॉजी ये थी कि दुनिया भर में जितने भी ज्यूज रहते हैं वो ये सोचते थे कि कोई भी देश हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कोई भी धर्म हमारे साथ मिलकर जुलने को रहने को तैयार नहीं है, तो हमें एक अपना अलग देश बनाना चाहिए, हमें एक अलग अपना देश बनाना चाहिए जिसमें हम शांति से रह सकें। अब दोस्तों अर्ली 19 सेंचुरी में दुनिया भर से भारी माइग्रेशन देखने को मिली ज्यूज की पैलेस्टाइन के एरिया में। अभी जो पैलेस्टाइन का एरिया है ये तब ऑटोमन एम्पायर के अंदर होता था, और ऑटोमन एम्पायर में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज लगभग मिलजुल कर ही रहते थे। अब उन्होंने पैलेस्टाइन का एरिया ही क्यों चुना? क्योंकि वहां पर एक शहर है जेरूसलम, वो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज तीनों के लिए बहुत ही एक होली प्लेस है, मतलब पवित्र जगह है बहुत, तो उन्होंने उस जगह को वहां पे माइग्रेशन के लिए चुना। लेकिन 19 सेंचुरी शुरू होते होते ऑटोमन एम्पायर की पकड़ जो है बहुत कमजोर होनी शुरू हो गई अपने एरियाज पे, उनको बहुत से एरिया छोड़ने भी पड़े, जहां पर अरब लोग अपने एक अलग रेवोल्यूशन चलाना चाहते थे, पैलेस्टीनियन लोग अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे, यहाँ पर ज्यूज भी आ गए थे जो कि अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे कर करके ऑटोमन एम्पायर की पकड़ कमजोर होनी शुरू हो गई, और 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है। तब अरब लोग ये चाहते थे कि सीरिया से लेकर यमन तक एक अलग अरब देश बने, और वो यही सेम वादा ब्रिटिशर्स ज्यूज से भी कर देते हैं कि तुम हमारी ऑटोमन एम्पायर को हराने में मदद करो, हम तुम्हारा एक अलग ज्यूइश देश बनवा देंगे। लेकिन ये दोनों वादे झूठे थे।
उन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ एक अलग डील कर ली ब्रिटिशर्स ने, जिसमें ऑटोमन एम्पायर जब हार गया वर्ल्ड वॉर वन में, तब उस पूरे एरिया को ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों ने आधा आधा बांट लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई, जर्मनी में हिटलर रूल कर रहा था और उसके राज में बहुत लाखों की संख्या में ज्यूइश लोगों को मारा गया। उसने क्या क्या किया था जर्मनी में ज्यूइश लोगों के साथ, आप सबको पता ही होगा। तो उस चीज से बचने के लिए लाखों की संख्या में ज्यूइश लोगों की माइग्रेशन देखने को मिली दूसरे देशों में, और बहुत ज्यादा भारी माइग्रेशन देखने को मिली पैलेस्टाइन के एरिया में, जहां पर ब्रिटिशर्स पहले तो उन्हें अंदर आने देते हैं लेकिन बाद में फिर रोक देते हैं। तो इस चीज से ज्यूइश लोगों में एक बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है और एक इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत होती है, जहां पर ज्यूइश लोग अपना एक अलग देश मांगते हैं। लेकिन 1948 आते आते एक पैलेस्टीनियन मूवमेंट की भी शुरुआत हो जाती है कि पैलेस्टीन लोगों को भी उनका एक अलग देश चाहिए, क्योंकि वो जगह एक्चुअल में पैलेस्टाइन थी। वहां के जो लोकल लोग रहते थे, जो अरब लोग रहते थे, उनको एक अपना अलग देश चाहिए पैलेस्टाइन। अब दोनों तरफ संघर्ष चल रहा है। अब ब्रिटिशर्स दोस्तों हमेशा यही करते हैं कि पहले तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, और जब कम्युनिटीज में इतना ज्यादा डिवाइड हो जाता है तो उनसे संभाला जाता नहीं है, वो सबको छोड़ छाड़ के अपना निकल जाते हैं। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के साथ भी यही करा था, वहां पर भी उन्होंने यही करा। जब पैलेस्टाइन मूवमेंट बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच गई, इजरायली नेशनलिज्म मूवमेंट बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच गई, तब ब्रिटिशर्स वहां से निकल लिए। उन्होंने कहा हमसे तो हैंडल हो नहीं रहा, तुम अरब लोग अपना एक पैलेस्टीनियन देश बना लो और ज्यूइश लोग अपना एक ज्यूइश देश बना लो, वहां से हैंडल नहीं होता। तो जब ब्रिटिशर्स वहां से चले गए, अब वहां की जो कम्युनिटीज को बांटना था अलग अलग देशों में, उसकी जिम्मेदारी दी गई यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर 45% हिस्सा दिया गया पैलेस्टीनियन लोगों को और 55% हिस्सा दिया गया ज्यूइश लोगों को, जिसको ज्यूइश लोगों ने स्वीकार कर लिया और अपना एक देश का नाम रखा इसराइल। इस तरह से इसराइल देश का जन्म होता है। और जो जेरूसलम जो स्टेट थी, वो क्योंकि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस लोगों के लिए सबके लिए बहुत ही होली प्लेस थी, और उसको ये लोग बांटना नहीं चाहते थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक इंटरनेशनल टेरिटरी घोषित कर दिया कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, उस पर हम कंट्रोल करेंगे, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी कंट्रोल करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर ज्यूइश लोगों को तो अपना देश मिल गया इसराइल, लेकिन अरब लोगों से बात हल्की सी भी सहन नहीं हो पाती। वो ये सोचते हैं कि ज्यूइश लोग जो है वो बाहर से आए हैं और हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया इन लोगों ने। तो 5 से ज्यादा अरब देश साथ में आते हैं, जिसमें जॉर्डन, लेबनन, सीरिया, इजिप्ट भी शामिल है। ये सभी साथ में आते हैं और जंग छेड़ देते हैं अकेले इसराइल के खिलाफ कि इसराइल को हम नक्शे से ही मिटा देंगे दुनिया के। और यहाँ पर ज्यूइश लोग ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में कोई हमें एक्सेप्ट करने को तैयार है नहीं, और जब यूनाइटेड नेशन ने हमारे को एक अलग देश बना करके दिया है, वो भी इसको ये लोग छीनना चाहते हैं। अगर हम अब नहीं लड़ेंगे तो फिर हम कभी जीत ही नहीं पाएंगे। इस जज्बे के साथ इसराइली लोग लड़ते हैं, और बहुत हैरानी की बात है कि इन सभी अरब देशों को इसराइल हरा देता है और जीत जाता है। अच्छा, जीतता तो है इस वॉर में, लेकिन साथ ही साथ जो जेरूसलम है, जो कि एक इंटरनेशनल कंट्रोल में जो सिटी है, उसका वेस्टर्न पार्ट पे कब्जा कर लेता है, साथ में सीरिया के कुछ पार्ट पे कब्जा कर लेता है। रिजल्ट ओवरऑल ये निकलता है कि इसराइल कुछ पार्ट पे कब्जा कर लेता है, ये जो गाजा स्ट्रिप है इस पर इजिप्ट कब्जा कर लेता है, और जो वेस्ट बैंक का एरिया है आप मैप में देख रहे होंगे, इस पर जॉर्डन पूरा कब्जा कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात दिखाई दी, इसराइल ने कब्जा कर लिया, इजिप्ट ने कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने कब्जा कर लिया, लेकिन पैलेस्टाइन के पास तो कोई एरिया बचा ही नहीं। जो वेस्ट बैंक का एरिया था और जो गाजा स्ट्रिप थी, ये तो पैलेस्टाइन के पास थी, इस पर इजिप्ट और जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। अब पैलेस्टीनियन कहाँ जाएंगे? दोस्तों लाखों की तादाद में पैलेस्टीनियंस को दूसरे देशों में रिफ्यूज लेनी पड़ती है। अब दोस्तों कुछ समय तक शांति रहती है, लेकिन 1967 में एक और अरब इसराइली वॉर होती है, जिसके अंदर इसराइल फिर से जीत जाता है, जीतता है, और इजिप्ट का एक ही बहुत बड़ा सा पेनिनसुला जो है सिनाई पेनिनसुला, इसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है, और वेस्ट बैंक को भी अपने कब्जे में कर लेता है इसराइल। यहाँ पर पैलेस्टीन लोगों को फिर से कुछ नहीं मिला। हर बार वॉर हो रही है, अरब लोग लड़ते हैं, कुछ अरब देश कब्जा कर लेते हैं, कभी इसराइल कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जो पैलेस्टीन देश है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था, 45% हिस्सा दिया था, उसको तो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा हर बार। इन सब चीज़ों से तंग होकर के जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं PLO, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में इनका मोटिव होता है हथियारों से लड़ने का, हथियार उठाओ और अपना हक पालो। अब बाद में इसको इसराइल और अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे देते हैं। अब कुछ लोगों के लिए फ्रीडम फाइटर है, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देश चाहते हैं अपना, कुछ लोगों के लिए टेररिस्ट है। अब कुछ समय और बीतता है,
शांति रहती है, छोटे मोटे हमले तो होते रहते हैं जो कि आज भी होते हैं। इसराइल के पास एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं, यित्सक रबीन। ये बोलते हैं कि पीएलओ को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं देखना चाहिए, ये बस अपना देश चाहते हैं हमारे से, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पर एक पीसफुल सॉल्यूशन निकलता है पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में, जो कि लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन की और इसराइल के बीच में। पर ये सॉल्यूशन बहुत ही अजीब सा होता है। जो वेस्ट बैंक का जो एरिया है जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर रखा है सेकंड अरब इसराइली वॉर के बाद, अब क्योंकि दोस्तों बहुत टाइम से कब्जा कर रखा है इसराइल ने उसके ऊपर, तो डेफिनेटली इसराइल के लोग वहां पर रहने आएंगे, अपनी सेटलमेंट्स बनाएंगे वहां पर पे, अपने घर बनाएंगे, पूरी सोसाइटीज बनाएंगे वहां पे अपनी। जो एक टाइम गैप आया इतने सालों का, इसराइली लोगों ने यही चीज करी वहां पर वेस्ट बैंक के एरिया में। जो एक्सट्रीमिस्ट इसराइली लोग हैं जो मानते हैं कि पैलेस्टाइन देश होना ही नहीं चाहिए, वो ये सोचते हैं कि वेस्ट बैंक पूरा हमारा है और यहाँ पर हमें अपनी सेटलमेंट्स बनानी चाहिए। और जो ये लोग सेटलमेंट्स बनाते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से इलीगल मानी जाती हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के प्लान के खिलाफ था। लेकिन यहाँ पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर और पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो साथ में मिलकर के आते हैं और एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है उसको तीन हिस्सों में बांट देंगे। कुछ वेस्ट बैंक के हिस्से ऐसे होंगे जिनको एरिया ए कहेंगे, जहां पर पैलेस्टीन की गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखेगी अपना। कुछ एरिया होंगे एरिया बी, जहां पर इजरायली गवर्नमेंट और पैलेस्टीन गवर्नमेंट मिलकर गवर्न करेगी वहां पर। और एक था एरिया सी, जहां पर सिर्फ इजरायली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। देखने में तो बहुत ही अजीब सॉल्यूशन लग रहा था ये, लेकिन किसी टाइप का सॉल्यूशन तो है ये। एक वॉर होने से तो एक ऐसा सॉल्यूशन ही सही है, आगे जाके हालात और अच्छे हो जाएंगे। अब दोस्तों आप कोई भी कम्युनिटी ले लो, उसके अंदर आपको एक्सट्रीमिस्ट लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई सॉल्यूशन निकल के हो रहा है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि बस लड़ाई चलती रहे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं पैलेस्टाइन के एरिया में, जो कि एक इस्लामिक जिहादिस्ट लोग होते हैं, और वो आगे चल के अपना ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं हमास ग्रुप। वो लोग ये सोचते हैं कि पैलेस्टाइन की जो पीएलओ वाली हमारी पार्टी है ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इसराइल के साथ, ये नहीं होना चाहिए, हम तो इसराइल को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। लेकिन इसराइल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि पूरा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप हमारे पास होना चाहिए, पैलेस्टाइन को हम हल्का सा भी एरिया नहीं देना चाहते। यहाँ पे इसराइल में से ही एक एक्सट्रीमिस्ट जो कि उस टाइम के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे यित्सक रबीन, जिन्होंने सॉल्यूशन निकाला था, उनका असैसिनेशन कर देता है, उनको मार देता है कि इन्होंने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, उनको सजा देता है एक तरह से। और दूसरी तरफ जो हमास ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में सुसाइड बॉम्बिंग्स करवाता है इसराइल के अंदर, अलग अलग अटैक्स कंडक्ट करवाता है माहौल को टेंशन में रखने के लिए। अब दोस्तों इसी कहानी में आगे बढ़ते हुए 2006 में पैलेस्टाइन में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जिसमें हमास ग्रुप इन इलेक्शन को लड़ता है और जीत जाता है। जो पीएलओ ग्रुप है वो बहुत ही कम मार्जिन से हार जाता है। लेकिन उसके अगले ही साल 2007 में हमास के सपोर्टर्स के बीच में और पीएलओ के सपोर्टर्स के बीच में एक सिविल वॉर हो जाती है, जिसको बैटल ऑफ गाजा कहकर के बुलाते हैं। ये वॉर होती है, दोनों में आपस में बहुत नफरत बढ़ जाती है और पैलेस्टाइन देश अब दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जो गाजा स्ट्रिप है उसके ऊपर हमास का कब्जा हो जाता है और जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उसके ऊपर पीएलओ का कब्जा हो जाता है। और यही आज की सिचुएशन भी है, गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास का कब्जा है और वेस्ट बैंक के वाले हिस्सों के ऊपर पीएलओ का कब्जा है। सो दोस्तों ये थी पूरी कहानी इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की, कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी टाइम से चला आ रहा है। आपने पूरी टाइमलाइन जान ली होगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई यहाँ पर डेट्स को मेंशन करने में कि ये इवेंट इस डेट को हुआ था, इस साल में हुआ था, इस साल नहीं हुआ था, तो मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे। इनके कॉमेंट्स में अपने सुझाव जरूर देना और इस तरह की वीडियोस में आगे और लाता रहूँगा। इस तरह का हिस्ट्री कंटेंट अगर आपको पसंद है तो मैं लाता रहूँगा ऐसी वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी या बाय।